Thank you.
Pronto? Jaya Anilo Prema Dhano Karuna
Oh,
ಕೃಪಾಮಂಜರಿ ಪದ ಶೈಮರ ಸಂಪದ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ
नमो विष्णु पदाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायणेति नाम सर्वप्रथम अस्मदीय परमारततम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टूत सतस्य श्रीमद्भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज तथा ओम विष्णुपाद अष्टूत सतस्य श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज तदीय चरण जुगली असंख्य कोटि दंडवत प्रणति निवेदन करता हूँ। उपस्थित पूजनीय सन्यासीगण श्री प्राण गोपाल आचार्य जी तथा समस्त पूजनीय वैष्णवगण समस्त मातृमंडली भाई बहनों सभी को मेरा प्रणाम निवेदन। आज हम लोग श्री रूप सनातन गौड़ीय मठ में जिनकी विरह तिथि मनाने आए हैं, जिनको कुछ महीने पहले झूलन के समय पर विद्वानों पंडितों ने और समस्त गोस्वामियों ने यहाँ समुपस्थित होकर श्री रूप गोस्वामी जी की तिथि मनाई और उनकी अनुपस्थिति में उनकी मंगल कामना की, जो कि महाराज श्री दिल्ली में यह कहते हुए कि मैं वृद्धावस्था देखना नहीं चाहता, कभी भी अपने जीवन में उन्होंने अधिक उम्र होने का अनुभव भी नहीं किया, पूर्ण युवावस्था का ही पूर्ण रूप मानकर सर्वत्र प्रचार प्रसार में एक एक क्षण बिताया और भक्ति ग्रंथ के लेखन में संशोधन कार्य में प्रकाशन में केवल 2 महीना पहले ही महाराज ने गुरु जी ने कहा कि मैं वृद्धावस्था देखना नहीं चाहता। जब अस्वस्थ हो गए तब उन्होंने बार बार कहा और ये कहा कि मैं समस्त कार्य पूरा कर चुका हूं और अब मुझे जाने की इच्छा है। जो श्री राधा जी के निज जन है, श्री राधा जी ने जिन्हें अपना लिया है, आज जिनके चरणों में जिनके सान्निध्य में नित्य लीला में सेवा में समुपस्थित हैं, जिन्होंने गीत गोविंदम की भूमिका में अपना भाव व्यक्त करते हुए यह कहा कि एकांत में राधा जी के विरजनी विप्रलंब भाव में स्थित वृषभान नंदिनी राधा जी और उस वृंदावन में कोई एक सखी जाकर उन्हें सांत्वना देती है और उनके भाव में भाव मिलाकर वार्तालाप करती है और उनको आश्वासन देती है, वो कौन है? वही गुरु जी है जो कि राधा जी के निकट में बैठकर स्वयं मंजरी रूप में स्वयं विराजमान है राधा जी की नित्य सेवा में। वैसे ही विप्रलंब भाव के आस्वादक बनकर गौर परिकर बन करके श्री नवदेव धाम में आज जो विराजमान है, ऐसे श्री नारायण गोस्वामी महाराज जिन्होंने संपूर्ण विश्व में प्रचार प्रसार करके संसार के बगीचे से पुष्पों का चयन किया और हम सभी को भगवान के चरणों में समर्पण करने का प्रयास किया, आज हम लोग उनके चरण तल में हम बैठे हैं। उनसे आज वैष्णव लोग उनके विषय में वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम
प्रार्थना करते हैं हमारे मध्य में उपस्थित श्री रूप गोस्वामी जी के तिथि पर सर्वप्रथम आ करके जो मंगलाचरण के रूप में हम सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और महाराज जी की शुभकामना करते हैं। श्री पान प्राण गोपाल आचार्य जी वे हम सबके सामने अपना भाव व्यक्त करें। कनक जनदगाब्जरौ नील सोनाब्ज नेत्रौ मृग मद वर भालौ मालती कुंद मालौ तरल तरुण वेशौ नील पीतांबरेशौ स्मर निभृत निकुंजे श्राधिका कृष्ण चंद्रौ नीलांबुजश्यामल कोमलांगौ राधा समारोपित वाम भागौ पाणौ कनक कंकण चारु वेणौ नमा कृष्णं यदुवंशनाथं मेघानाज घटा घटा घट घटा घाटा घटा भू घटा मंदो कस्य बको बको बक बको बाको बको भूवक विद्युच्चोचि चकी मकी चकमकी चाकी मकी दृश्यते इत्थं नंद कुमार गोप वनिता वाचस्पतिर्पातु वह कारिंदी कूल कुंजे मुरली मुरली नादयं वेणुनादं गोपीनां पाद पद्मे झोणो झोणो क नूपुरा राव रम्ये तिष्ठवंशी वटसु निघनितो राधिका दृच्चकोरी राका चंद्रस्त्रिभंगी सतिशतु भगवान मंगलंबो महोत्सवे आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्ष्यौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत प्रियकरौ करुणावतारौ परम श्रद्धेय राधा कृष्ण की नित्य लीला स्थली में जो सशरीर प्रविष्ट हुए हैं ऐसे अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद नारायण महाराज के पाक पद्मों में मैं श्रद्धापूर्वक नत होते हुए उनके चिर सानिध्य के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। देखिए कितनी विचित्र बात है, गत रूप गोस्वामी पाद के उत्सव के समय गोपीनाथ मठ में प्रातःकाल मंजरी देवी जी ने जो श्रद्धांजलि सभा
उपस्थित की थी, उसमें महाराज श्री के दीर्घ आयुष की प्रार्थना की गई थी। महाराज श्री का स्वास्थ्य उस समय भी खराब था, परंतु ऐसा नहीं था, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वे इतनी जल्दी हम लोगों को छोड़ करके चले जाएंगे। वास्तव में जिन लोगों की यहां पर दरकार होती है, राधा गोविंद ये कामना करते हैं कि ऐसे प्रिय पार्षद अब हमारे यहां पर भी आकर के हमारा मुकुल्लास कर। मैं तो मानता हूं कि हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो विश्व में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जो प्रचार किया, मैं समझता हूं वह केवल भारतवर्ष तक ही सीमित था, परंतु उनके इस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने ही उन्हें यह शक्ति प्रदान की ताकि वे विदेशों में भी जाकर के इस हरे नाम का प्रचार करें। मैं निवेदन करूंगा कि महाराज श्री का यह जो तनिया है उसको आप सब लोग एक बार उच्चारण करते हुए उनको प्रणाम करें, उसके बाद मैं अपने वक्तव्य को प्रारंभ करूंगा। देखिए, हमारा सौभाग्य है कि महाराज श्री के अत्यंत प्रिय श्रीमद् भागवत के प्रकांड विद्वान अच्युतलाल भट्ट जी भी यहां पर उपस्थित हो गए हैं। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है, और शायद इस मठ के कुछ महाराज लोग भी इस बात को जानते हैं। हमारे नारायण महाराज व्यक्तिगत रूप से मुझसे बहुत ही स्नेह करते थे, और एक बार उन्होंने मेरे हाथ को दाब करके मुझसे कहा, बंगला में कहा था कि बाबा प्राण गोपाल आमी चाहिए कि जो दिन आपनी बेचे आचन आपने दया करे श्रद्धांजलि सभा से हमारे एखने को उत्सव है, जिस समय जो आपके डाका है तो निश्चित आपनी ऐसे एखने मंगलाचरण करबें, सेटा सुने आमी खुबी आनंदित होब। इस बात के गवाह यहां ये विभूति विराजी हुई है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। ऐसे परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज के पाद पद्मों में नमन कर रहा हूं। मेरी मान्यता है महाराज गए कहीं नहीं है, यहीं पर है। वह प्रत्यक्ष विग्रह के रूप में नहीं है, परंतु उनके उपदेश आज भी आप लोगों के हृदय में समाये हुए हैं। कीर्ति यस्य सजीवती, जिसकी कीर्ति अमर रहती है वह हमेशा जीवित रहता है। तो ऐसे नारायण महाराज के लिए मैं निवेदन करूंगा आप लोग भी इसको रिपीट करें, कहिए ओम नमः विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्री मद्भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम त्वं शिरसा नमामि। ये महाराज श्री की तनिया है।
मैं निवेदन करूंगा, जो भी महाराज श्री के अनुयायी हैं, अगर इन दो मंत्रों का उच्चारण करके वो अगर एक महामंत्र की माला करेंगे तो उनको सद्गुणे फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि इसमें महाराज श्री को एक साक्षात नारायण के अवतार के रूप में ही माना गया है। ऐसे नारायण महाराज के लिए आज की इस पावन वेला पर कुछ संस्कृत के श्लोकों को मैंने जो हृदय में उत्पन्न हुए हैं उन भावों को आप लोगों को मैं सुना रहा हूं। श्री कृष्ण लीलया धन्या सर्वदेवै नमस्कृता सुखदां रम्यदां वन्ना वंदे ब्रजवसुंधरां। सबसे पहले मैं इस भूमि की वंदना करता हूं जहां हमारे आराध्य भगवान श्री श्याम सुंदर ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद नाना प्रकार की क्रीड़ाएं। जो भी भक्ति यहां आता है भगवान श्याम सुंदर उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। श्री श्री मद भक्ति वेदांत जो मेरे हृदय में भाव आए हैं उनको मैंने निबद्ध किया है संस्कृत श्लोकों के माध्यम से है, बहुत सरल संस्कृत है, फिर भी मैं चेष्टा करूंगा उसका भाव आप लोगों को बताऊं। श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायणे विश्रुत अजह देह मेवासौ श्री पुर्याम च विशेषतः। जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है हमारे नारायण महाराज जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गए थे और देखते देखते जगन्नाथपुरी में जाकर के जगन्नाथ जी में समाश्रित हो गए थे, वही भाव हमारे नारायण महाराज ने अपनाया। श्री श्री मद्भक्ति वेदांत नारायणे की विश्रुत अजह देह मेवासौ श्री पुर्याम च विशेषतः। हमारे आराध्य पूज्य श्री नारायण महाराज ने अपने इस पांच भौतिक देह को श्री जगन्नाथपुरी में त्यागा। जगन्नाथपुरी में क्यों त्यागा? क्योंकि वे चैतन्य महाप्रभु के सच्चे अर्थों में अनुगत थे। मैं समझता हूं कि चैतन्य महाप्रभु ने ही अपने अंशावतार के रूप में इस धराधाम में श्री नारायण महाराज को प्रेषित किया था, तो हमारे चैतन्य महाप्रभु का ही अनुगत करते हुए श्री नारायण महाराज ने अपने इस पांच भौतिक शरीर का इधर उधर कहीं परित्याग न करके श्री जगन्नाथपुरी में ही जाकर के अपने शरीर को जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ जी के श्री चरणों में समर्पित कर। तो श्री श्री मद्भक्ति वेदांत नारायणे च विश्रुत अजह देहमेवासौ श्री पुर्याम च विशेषतः। अब शरीर को तो उन्होंने त्याग दिया किंतु इस पांच भौतिक शरीर का होगा क्या? पांच भौतिक शरीर एक एक तत्व के द्वारा निर्मित है, जब तक जिस तत्व से जो चीज ग्रहण की गई है उसको अगर समर्पित नहीं किया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं। तो उनके भक्तों ने एक बड़ी सुंदर कल्पना की जो कि चैतन्य महाप्रभु के वे अनुगत थे और चैतन्य महाप्रभु ने संपूर्ण विश्व में नवद्वीप धाम को ही क्यों चुना। इसलिए हमारे महाराज श्री के इस पांच भौतिक शरीर को
उनके भक्तों ने जगन्नाथपुरी से सम्मान पूर्वक ला करके श्री गौरांग महाप्रभु की जो चित्र लीला भूमि है नवद्वीप धाम, उसमें चिरकाल के लिए समाधिस्थ कर दिया। वही भाव है इसमें, श्रीमत चैतन्य चित भूमौ, चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने के कारण जो भूमि चिन्मय हो गई है, जिस तरह से वृंदावन चिन्मय धाम है, उसी प्रकार से श्री नवद्वीप धाम भी एक चिन्मय भूमि है। तो श्रीमत चैतन्य चित भूमौ नवद्वीपे हरि प्रिय समाधिस्थो भवद्वंद्य सर्व साधु जन प्रिय। संपूर्ण प्राणियों के प्रिय, संपूर्ण भक्तों के प्रिय, ऐसे श्री नारायण महाराज के इस पांच भौतिक देह को चैतन्य महाप्रभु की जो प्राकट्य स्थली श्री नवद्वीप धाम है, जिसको नदिया भी कहते हैं, ऐसे नवद्वीप धाम में उनके इस पांच भौतिक शरीर को चिरकाल के लिए समाधिस्थ कर दिया गया। भाव यह है कि आज भी चैतन्य महाप्रभु वहां विद्यमान है, क्योंकि वे चैतन्य महाप्रभु के परिकर के रूप में ही उपस्थित हुए थे। जिस तरह से रूप सनातन भक्त रघुनाथ जो छह गोस्वामी हुए हैं, उनमें मैं मानता हूं हमारे नारायण महाराज सातवें अवतार के रूप में इस धराधाम के ऊपर अवतरित हुए। जिस तरह से हमारे गोस्वामी पादों ने एक एक कार्य किया, एक एक मंदिर का निर्माण कराया, परंतु उनसे भी कहीं अधिक भर करके हमारे नारायण महाराज ने विभिन्न स्थानों में जाकर के गौड़िया मठों की स्थापना। तो ये जो मठ हैं, वो उनकी कीर्ति का गान करते रहेंगे, युग युगांतर तक दुनिया उनको याद करेगी कि इस प्रकार की एक रुचि इस विश्व में अवतीर्ण हुई, जो धर्म प्रचार के लिए सशरीर नवद्वीप धाम में ही समाधिष्ट हो गई। श्रीमत चैतन्य चित भूमौ नवद्वीपे हरि प्रिय समाधिस्थो भवद्वंद्य सर्व साधु जन प्रिय। मैं नारायण महाराज के विषय में एक भाव और हृदय में उत्पन्न हुआ है, कहीं से लिया नहीं है, स्वयं मुझे ज्ञात हुआ है। क्या? कृष्ण लीला कथा दक्ष महाराज श्री की विशेषता थी कि भगवान श्याम सुंदर की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं को बहुत ही सरस रूप में संपूर्ण जन जन में प्रचारित प्रसारित करने के लिए उन्होंने उनको लिपिबद्ध किया। कृष्ण लीला कथा दक्ष वात्सल्य गुण सागर, वे करुणा की प्रत्यक्ष मूर्ति। जो भी एक बार महाराज श्री के संपर्क में आ जाता था, वह ये समझता था महाराज तो हमारे हैं, महाराज हमारे हैं, हमको महाराज बहुत स्नेह करते हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि मुझको महाराज बहुत स्नेह करते हैं, मेरे जैसे न जाने कितने ऐसे उनके अन्य हजारों लाखों भक्त हैं जो कहते हैं कि महाराज तो हमारे थे। ऐसे वात्सल्य गुण से संपन्न भगवान श्री श्याम सुंदर की कथाओं को प्रकट करने वाले श्री नारायण महाराज आज हमारे नेत्रों के सामने तो नहीं है, परंतु अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज भी आपको प्रतीत होगा कि आज भी आपके सामने उपस्थित है। कृष्ण लीला कथा दक्ष वात्सल्य गुण सागर वरेण्य पुरुषो दिव्य
नारायण इवा पद। मैं तो मानता हूं कि यथा नाम तथा गुण, जैसे उनका नाम था नारायण, हम समझते हैं कि नारायण स्वयं इन भक्तों के रूप में ही इस जराधाम के ऊपर अवतीर्ण होते हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी शिरोधारी भगवान श्री नारायण का प्रत्यक्ष में किसी ने दर्शन नहीं किया, परंतु नारायण के अवतार के रूप में ही साक्षात नारायण महाराज ही इस धराधाम के ऊपर अवतीर्ण हुए। कृष्ण लीला कथा दक्ष बात्सल्य गुण सागर वरेण्य पुरुषो दिव्य नारायण इवा पर। तो वृंदावने श्रीयोधामनी, चूंकि वृंदावन राधा रानी का नित्य धाम है, आज भी राधा रानी यहाँ पर श्याम सुंदर के चरणों की सेवा करती हुई प्राप्त होगी। जहाँ यह आश्रम बना हुआ है पास में ही सेवा कुंज है, सेवा कुंज का भाव ही यह है कि वहां पर हमारे श्याम सुंदर श्री राधा रानी की सेवा करते हैं। ऐसे वृंदावने श्रीयोधान तत्भक्त गतमत्सर है। नारायण महाराज के जो भक्त हैं उन्होंने बिना किसी भेदभाव के वृंदावने श्रीयोधान तत्भक्त गतमत्सर आयोजित सुप्रीत तस्यैव विरहोत्सव। उनके भक्तों ने कृपा पूर्वक महाराज श्री को पुष्पांजलि प्रदान करने के लिए यहाँ उन्हीं के द्वारा सुस्थापित इस रूप सनातन गौड़ीय मठ में भक्तों का एक विशेष सभा विरह उत्सव के रूप में आयोजित की है। जिन भक्तों ने महाराज श्री का उस समय दर्शन नहीं किया, महाराज श्री को अपने भाव श्रद्धांजलि व्यक्त नहीं कर पाए, ऐसे भक्तों के ऊपर कृपा करके ऐसे भक्तों को महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तगणों ने आज यहाँ पर विरह उत्सव आयोजित किया है, ताकि भक्तगण यहाँ आकर के महाराज श्री के पाद पद्मों में पुष्पांजलि अर्पित कर सके। हमारे सामने श्री माधव महाराज और श्री दीप महाराज विराजमान हैं, तो कोबर छोट कहत अपराधु, इसलिए मैं तो कहता हूँ हमारे दोनों ही पार्षद जो हैं पूज्य हैं। तो श्री माधवो महाराज हरि नाम परायण कुरते अध्यक्षता अत्र भक्ति वेदांत सारदित श्री रचित महाभाग मात्र गौड़ रसाम्बुधि विशिष्टा किसी रूपेण सभा मध्य विराजते। ऐसे दोनों महापुरुष यहाँ पर विराजमान हैं, हम तो कहते हैं कि वे महाराज के ही परिकर हैं, और परिकर के रूप में हमारे जिस तरह से कहते हैं आत्मा वही जायते पुत्र, उसी प्रकार महाराज श्री के कृपावतार ये विभूतियां हैं, हम इन विभूतियों को भी प्रणाम करते हैं। अंत में संतो बुधा नरानार्य, कृपा पूर्वक यहाँ पर बड़े बड़े संत, मैंने देखा एक महापुरुष यहाँ पधारे हैं राधा कुंड से, थैला राधा कुंड का लटका हुआ, इसका मतलब राधा कुंड से पधारे हैं। कल जिस तरह से आज यहाँ पर यह विरहोत्सव हो रहा है, मेरे पास गोवर्धन की भी सूचना थी, राधा कुंड की भी सूचना थी, परंतु हमने अखिलेश जी से कहा कि भैया इस शीत में गोवर्धन राधा कुंड पहुंचना तो हमारे द्वारा संभव नहीं है, किंतु महाराज श्री ने हमेशा अपने रूप सनातन गौड़िया मठ में आपको आहूत किया है,
इसलिए हम वहाँ अवश्य आकर के हमारे हृदय के जो भाव है वो व्यक्त करेंगे। तो संतो बुधा नरानार्य ये विरह सबे सीता जो उनके द्रोह उस समय यहाँ पधारे हैं, करो मंगलम तेषाम गुरु नारायण स्वयं। ऐसे गुरुवर जो साक्षात गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म ऐसे नारायण महाराज उनकी हर प्रकार से मनोकामना पूर्ण करें, यही हम भगवान के चरणों में और नारायण महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जो भी भक्तगणियां आए हैं उनको अपने से दूर रहने की शक्ति प्रदान करें और अपने राधा रानी के सामिप्य में सेवा के लिए उनको अवसर प्रदान करें। तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। जय जय श्री राधे। देखिए मजा नहीं आया, मैं अकेला इतनी जोर से दहाड़ रहा हूँ और आप लोगों को मुझसे जका भी नहीं निकल रहा। जय जय श्री राधे। और आप लोग यहाँ पर जयकारा लगाएंगे और महाराज इस जयकार को सुनकर के प्रसन्न होंगे कि चलो हमारी अनुपस्थिति में भी हमारे भक्तगण हमें याद कर रहे हैं। तो जय जय श्री राधे। एक शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। अगर मेरे द्वारा कुछ त्रुटि हो गई हो तो मैं विद्वानों के चरणों में निवेदन करता हुआ क्षमा याचना करता हूँ।